और जब अपने नीलाधिकार यादव जी ने नामांकन कराया था तो मुश्किल से उनके साथ हम 20 गाड़ी 30 गाड़ी ज़्यादा हुआ हम फिर उनको पता ही तो उतना ही देख के पता चल गया था कि इस बार हमारी हार तय है। मेरा नाम उमेश शुक्ला है, निवासी ग्राम पथरुआ का, विधानसभा क्षेत्र राजनगर 50, लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 8 खजुराहो। किसका माहौल है इस बार? भारतीय जनता पार्टी का माहौल बहुत ही अच्छा है और इस बार मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनेगी और 400 के पार सीटें हैं। इस बार कौन कौन से मुद्दे रहेंगे भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे परिवार, चार मुद्दे हैं, चार जातियां हैं। मोदी जी ने चार जातियां बनाई हैं देश में, महिला, युवा, पिछड़ा, गरीब, ये सभी सभी को लेकर मोदी जी ने चार जाति की पूरा। मोदी जी देश को परिवार मानते हैं और हर गरीब आज मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में 20 लाख करोड़ से ऊपर से ज़्यादा गरीबी रेखा से लोग ऊपर आए हैं, जो कि 55 साल की कांग्रेस सरकार ने आज तक गरीबी हटाओ का नारा भर दिया है लेकिन गरीबों को हटाया है, गरीबी को दूर नहीं किया है। अभी तक सांसद जी ने क्षेत्र में क्या क्या काम किए? हमारे विधानसभा क्षेत्र राजनगर में माननीय सांसद जी ने बहुत से विकास कार्य किए हैं। हमारे ग्राम बमीठा में खेल मैदान, स्टेडियम जो है बनवा कर दिया, अच्छी सड़कें करवा दी, गाँव में बड़ी सड़कें हो गई, पहले गाँव में सड़कें नहीं थी बहुत ज़्यादा। और भी खजुराहो रेलवे स्टेशन को 260 करोड़ की लागत से बहुत ही भव्य और नवीनीकरण से स्टेशन को बनाया जाएगा। खजुराहो में कन्वेंशन सेंटर, फ्लाइट सीखने के लिए व्यवस्था, दो कन्वेंशन सेंटर खोल दिए, जिससे युवाओं को आगे बढ़ने में अवसर मिलेगा और रोजगार के साधन बढ़ेंगे। कई बार सुनने में आया सांसद जी जातिवाद को भी बढ़ावा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लोग विपक्ष है, कांग्रेस है, ऐसे ये लोग हैं। अब इन्हें ये लगता है हार के डर से कुछ भी बोलते हैं, हार के डर से कांग्रेस के जो नेता है वो सब है उत्पटांग बात करते हैं, ताकि उन्हें लगता है कि अब हम हार देश से बाहर जा रहे हैं, देश में कांग्रेस का अस्तित्व तो खत्म हो रहा है। पर क्या काम किया है? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने अटल बिहारी जी वाजपेयी के समय से ये कैनबेतवा का काम पेंडिंग पड़ा था, कांग्रेस सरकार में ये कभी पूरा नहीं हुआ। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार केरल में और प्रदेश में बनी तो मोदी जी ने, माननीय मोदी जी ने और हमारे सांसद जी माननीय बीडी भाई साहब जी ने के प्रयासों से आज कैनबेतवा लिंक परियोजना पास हो चुकी है। उसका जो मुआवजा है किसानों का वो भी किसानों के खाते में पहुँच चुका है और बहुत जल्द ही कैनबेतवा परियोजना का काम शुरू होगा। कितने वोटों से? पिछली बार हमारे माननीय सांसद जी मोदी जी के नेतृत्व में 4 लाख वोट से जीते थे, इस बार 10 लाख के पार माननीय बी डी भाई साहब सांसद लोकसभा से फिर से उम्मीदवार तैयार बन के जाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम रिंकू तिवारी। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव? नई मुद्दे हैं, वाइचल विकास के मुद्दे हैं, लगातार विकास करा रहे हमारे सांसद जी क्षेत्र को। क्या क्या विकास करवा रहे हैं? विकास आप चाहे जो देख लीजिए, सब विकास चीज से देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए, गोमिया में हमारे ग्राउंड देख लीजिए, खजुराहो में भी देख लीजिए, लगातार ट्रेनें बढ़ रही हैं, एयरपोर्ट का विकास हो रहा है। विकास के लिए तो हर गाँव में हर क्षेत्र में विकास है। कई बार सुनने में आया सांसद जी लगाना ही है इसलिए लगाना है कि अब आप भी जानते हैं जिस दिन अभी नामांकन फॉर्म जमा हुआ था तो पूरा पन्ना जाम था और जब अपने नीलाधिकार यादव जी ने नामांकन कराया था तो मुश्किल से उनके साथ हम 20 गाड़ी 30 गाड़ी ज़्यादा हुआ, फिर उनको पता ही तो उतना ही देख के पता चल गया था कि इस बार हमारी हार तय है।